हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिदा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक मिनट में किस तरह से लंच बॉक्स बच्चों के लिए तैयार कर सकते हो, या तो फिर आप उन्हें नाश्ते में दे सकते हो। कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बहुत ही भूख लगी होती है उन्हें, और इंस्टेंटली क्या बनाए ये सोचकर टेंशन हो जाती है। तो बस मैं एक मिनट में जो बनने वाला है रेसिपी, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी ताकि झटपट से बच्चे खा सके और उनका पेट भर जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड लिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ब्रेड पे सबसे पहले हमें बटर अप्लाई करना है दोस्तों। आप चाहो तो घी भी लगा सकते हो, लेकिन ये सॉल्टेड बटर है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं दो ब्रेड के स्लाइसेस पे बटर को अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी, अच्छी तरह से फैलाते हुए स्पून की हेल्प से लगा दूँगी। तो ये देखिए, ये दोनों ब्रेड्स पे मैंने लगा दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सी इसमें शुगर लगाऊँगी अच्छे से। जितना भी आपके बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं, नॉर्मली बच्चों को तो कम ही मीठा दीजिए वरना दांत खराब हो जाएंगे। तो थोड़ा सी मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, और एक ही ब्रेड के स्लाइसेस पे ऐड करना है, दूसरे पे नहीं करना है। अब दूसरे ब्रेड से हमें इसे कवर कर लेना है। तो मैं इसे कवर कर लेती हूँ और मैं चलती हूँ दूसरी तरफ तावे की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने एक तावा रख लिया है जो कि गर्म हो गया है। आप कोई भी नॉन स्टिकी स्टिकी कोई भी तावा ले लीजिए, उस पे अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। उसके बाद हम ब्रेड के जो स्लाइसेस है वो रखेंगे और साथ ही बटर को भी अप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको क्रिस्पी करेंगे, तो इसको मीडियम फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से क्रिस्पी करूँगी, और दोनों साइड से अलट पलटते हुए करना है। अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ थोड़ा सी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना अच्छा क्रिस्पी हो रहा है। अब मुझे लगता है इसकी साइड चेंज करना चाहिए। तो ये देखिए दूसरी साइड कितना अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल क्रिस्पी मार्केट के जैसा लग रहा है दोस्तों। तो बच्चे को जब भूख लगे तो झटपट से, या वो स्कूल से आ रहे हैं या फिर जाने वाले हैं, आप कभी भी ये बना लीजिए, बच्चे एकदम से खुश हो जाएंगे और उनकी छोटी मोटी भूख भी ख़त्म हो जाएगी। आराम से आप टेंशन फ्री हो जाइए। तो फ्रेंड्स, अब ये रेडी हो गया है। दोनों साइड से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी कलर आ गया है, आप देख सकते हो कितना सुनहरा कलर है, जो कि बच्चे देखते ही खुश हो जाएंगे खाने के लिए। तो इस तरह से आप गर्मा गर्म बच्चों को सर्व कर सकती हैं, फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस एक मिनट में ये रेडी हो गया है आपके सामने। कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है दोस्तों, बहुत ही खाने में टेस्टी है, क्रिस्पी भी है, बच्चों को तो पसंद आने वाला है। आज से बच्चों का तो फेवरेट बन जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाना है दोस्तों, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोग के लिए कुछ नया क्रिएट करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं फिर से मिलूँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।